प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति के साथ लोगों की सुरक्षा ही सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता उतनी ही मजबूत है जितनी लोगों और अपनी जमीन को सुरक्षित करने की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने 4 साल से कम वक्त में 794 रक्षा निर्यातों को मंजूरी दी। इन निर्यातों की वैल्यू $1.3 अरब से ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपनी सैन्य ताकतों का हर तरह से साथ देने को तैयार हैं। सरकार ने हथियार मैन्युफैक्चरिंग की और काफ़ी काम किया है, जिसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस देना, FDI, एक्सपोर्ट आदि को लेकर काफ़ी कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत देश भर में डिफेंस इनोवेशन हब स्थापित होंगे। बता दें कि रक्षा प्रदर्शनी की थीम इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब यानी उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र रखा गया है। यह थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया का प्रमुख पहलू है। डिफेंस एक्सपो 2018 में 150 विदेशी कंपनी समेत कुल 670 कंपनियां आधुनिक हथियारों और रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं और इन सभी कंपनियों की आंखें सेना के आधुनिकीकरण के कारण होने वाली अरबों डॉलर की रक्षा खरीद पर टिकी हुई हैं। डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी तकनीक से विकसित सैन्य हेलीकॉप्टर्स, विमान, मिसाइलें, रॉकेट्स, पनडुब्बियां, जंगी जहाज विकसित करने की क्षमता दिखाई जा रही है। इस रक्षा प्रदर्शनी में टाटा, L&T, कल्याण, भारत फोर्ज, महिंद्रा, DRDO, HAL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जैसी निजी एवं सार्वजनिक कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। ताजा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आए तो जरूर लाइक कीजिएगा।